श्रीमती सीमा कुमारी, बूथ अध्यक्ष मंडल मामना, वाराणसी खंड विधानसभा। सीमा जी प्रणाम। प्रणाम सर। तो सीमा जी आप किस काम को देख रही हो? सर मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा बूथ अध्यक्ष है। अच्छा सीमा जी, आजकल कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है जी। तो इधर क्या मिलना जुलना अपने क्षेत्र के लोगों से हो पा रहा है? जी सर, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, इस फॉर्मूला को अपनाते हुए हम सभी बने कोरोना के दौरान अपने बूथ के लोगों से बात करती रहती हैं। किसी के खांसी की आवाज आ रही है, कोई घर में बीमार है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सीमा जी आप जैसन बहनियन का ताकत हमार असली शक्ति हुए, आप खुश तो परिवार खुश, परिवार खुश तो समाज और देश भी खुश होता है। मातृशक्ति प्रसन्न है ना? जी सर, बहुत प्रसन्न है आपसे। तो सीमा जी आप किस काम को देख रही हो? सर मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा बूथ अध्यक्ष है। अच्छा सीमा जी, आजकल कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है जी। तो इधर क्या मिलना जुलना अपने क्षेत्र के लोगों से हो पा रहा है? जी सर, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, इस फॉर्मूला को अपनाते हुए हम सभी बने कोरोना के दौरान अपने बूथ के लोगों से बात करती रहती हैं। किसी के खांसी की आवाज आ रही है, कोई घर में बीमार है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सीमा जी आप जैसन बहनियन का ताकत हमार असली शक्ति हुए, आप खुश तो परिवार खुश, परिवार खुश तो समाज और देश भी खुश होता है। मातृशक्ति प्रसन्न है ना? जी सर, बहुत प्रसन्न है आपसे। ऐसी का तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं कि जो काशी विश्वनाथ जाता ना हो। तो अभी क्या फर्क महसूस हुआ, जब पूरा परिवार गया तो क्या महसूस हुआ? मैं पूजा दीक्षित, क्षेत्रीय मंत्री, महिला मोर्चा भाजपा से। क्या आज किस तरह का ये नमो ऐप कार्यक्रम है मैडम? नमो ऐप एक ऐप बनाया गया जो सीधे हम जुड़ सकते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से, और जो भी समस्याएं हैं या सुझाव हैं इसी ऐप के द्वारा दिया जा सकता है, जिसमें सीधे प्रधानमंत्री ही देखते हैं और अपने आप की सब बातें वो आपसे इसी ऐप के द्वारा करते भी हैं। क्या खास था आज इसमें? हमेशा तो प्रधानमंत्री जी मन की बात किया करते थे, आज पहली बार ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने हम सभी की बात सुनी, क्योंकि आज उन्होंने जिन भी बूथ अध्यक्षों से बात करी और बातों में पता चला कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने संसदीय क्षेत्र काशी से कितना लगाव है, ये जानकर हम सभी कार्यकर्ताओं का वापस उत्साहवर्धन हुआ है और आने वाले चुनाव में हम सब वापस जोर शोर से उतरेंगे। इस ऐप से कितना लोगों को लाभ मिलेगा? ये ऐप बहुत जरूरी है, और आप अगर अपनी कोई भी बात अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं तो नमो ऐप द्वारा जुड़िए, ताकि आपकी बात सीधे आपके माननीय प्रधानमंत्री या आपके सांसद तक पहुंचे।